हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फतेहपुर शेखावाटी में एक ही जोड़ा नहीं है, एक ही बावड़ी नहीं है, ऐसी दो या तीन बावड़ियां और हैं। तो आज हम उसी से रिलेटेड एक फेमस बावड़ी जो है गढ़वा जोड़ा जिसको हम बोलते हैं, उस जगह पर हम आए हैं। और यहाँ पर अकेला गढ़वा जोड़ा ही नहीं, दो तीन फेमस जगह और हैं, वो भी हम आप लोगों को इस वीडियो में दिखाएंगे। तो इसको देखने के लिए आप हमारी वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी इस जोड़े का हम आप लोगों को ओवरव्यू दिखा रहे हैं, तो आप इस ओवरव्यू में भी देख सकते हैं कि ये जोड़ा कितना सुंदर लग रहा है, कितना खूबसूरत है ये। तो आप लोगों को हम अंदर चल के भी इस जोड़े की पूरी एक एक चीज़ को पास से भी दिखाएंगे। तो आप इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए अब इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी खूबसूरती। ये देखिए, इसमें एंटर करते हैं गेट से, यहाँ पे बच्चों के लिए तीन चार झूले लगे हुए हैं, स्लाइडिंग्स लगी हुई हैं, बच्चों के लिए पार्क टाइप में बना हुआ है ताकि जब बच्चे भी यहाँ फैमिली के साथ आएँ तो यहाँ पर एंजॉय कर पाएँ। और ये देखिए, इस जोड़े का मुख्य द्वार है, इस पर देख सकते हैं आप किस तरीके गुंबद बने हुए हैं ऊपर, और उसके बाद ये सुंदर मोर है, उनकी डिज़ाइन बनी हुई है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो हमारा एरिया फतेहपुर शेखावाटी है, ये एक रेगिस्तानी एरिया हुआ करता था और यहाँ पे पानी की बहुत समस्या रहती थी। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो अकाल की समस्या से भी बहुत परेशान रहते थे। तो उसी परेशानी से निदान पाने के लिए ये राजा महाराजाओं के द्वारा बावड़ियाँ बनवाई जाती थी। और ये बावड़ियाँ ये राम गोपाल गनेरीवाल के द्वारा 1899 में बनवाई गई थी, जो अकाल से पीड़ित लोग थे उनसे उनको राहत दिलवाने के लिए। अभी यहाँ पे बारिश हुई है तो जोड़ा पूरा पानी से भरा हुआ है, नहीं तो ये जब बारिश नहीं होती तो पूरा सूखा रहता है ये जोड़ा। तो अभी बहुत सुंदर ये लग रहा है, पूरा पानी से भरा हुआ। और इस जोड़े में भी उसी तरीके से चार गेट बने हुए हैं और चारों कोनर पे छतरियाँ बनी हुई हैं, लेकिन जो बीच की छतरी है वो इस जोड़े में नहीं बनी हुई है। इस बावड़ी में एक अलग चीज़ ये भी है उस बावड़ी से कि उस बावड़ी की जो कॉर्नर वाली चारों छतरियाँ थी वो पूरी खुली हुई थी, पर इसमें एक ही गेट बना हुआ है इस छतरी में। बावड़ी में अभी देख रहे हैं बारिश का पानी इस तरीके से यहाँ पे इकट्ठा हो जाता था और लोग इसको साफ करके और अपने पीने के लिए काम में लेते थे। अभी इन बावड़ियों की अच्छे से साफ़ सफाई नहीं होती है, देख रेख नहीं होती, इसलिए पानी इतना गंदा दिख रहा है आप लोगों को। नहीं पहले इसकी पूरी अच्छे से साफ़ सफाई करते थे तो ये बावड़ियों का जो पानी होता था पीने लायक रहता था। दो हज़ार 2017 और 18 में जब मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जब चला था, तब इस जोड़े की जो मरम्मत थी उसको मरम्मत की गई थी और उसकी जो साफ सफाई और पौधारोपण का कार्य था उसका फिर से शुभारंभ किया गया था। और जो ये शुभारंभ था ये श्रीमती ललिता भिंडा के द्वारा किया गया था। और उसके बाद आप देख रहे हैं इस बावड़ी के अंदर केवल अकेली बावड़ी नहीं, यहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी भी है और यहाँ पर ट्रैक भी बना हुआ है जहाँ पर सुबह लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी यहाँ पर खूब देखने को मिलेंगे। और ये यहाँ पे एक छोटी बावड़ी बनी हुई है जो पानी से जब भर जाती है तो इसका पानी था वो बड़ी बावड़ी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। तो आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे गेट बना हुआ है, इसके जो दरवाजे हैं वो पूरे खुले हुए नहीं है, दो छोटे छोटे दरवाजे एक नीचे की साइड और एक ऊपर की साइड, दो ही दरवाजे इसके खुले हुए हैं। Thank you.
और ये आप देख रहे हैं बावड़ी के पास बहुत ही सुंदर एक गार्डन बना हुआ है, जहाँ लोग मॉर्निंग वॉक पे आने के बाद थोड़ा रेस्ट भी कर लेते हैं और अपने योगा एक्सरसाइज भी यहाँ पे करते हैं। जैसे आप अभी भी देख रहे हैं वो अंकल देखो मॉर्निंग वॉक के लिए ही आए हुए हैं अभी यहाँ पे। ये आप देख रहे हैं बहुत बड़ा सा खेजड़ी का पेड़ है, जिसके नीचे चिंता हरण श्री बालाजी महाराज का मंदिर बना हुआ है। और आप इस खेजड़ी पे देख सकते हैं पक्षियों के लिए भी परिंदे भी लगे हुए हैं। इस मंदिर का निर्माण भी उसी समय हुआ था जब ये बावड़ी बनवाई गई थी, तो ये मंदिर भी उतना ही पुराना है जितनी पुरानी ये बावड़ी है। तो चलिए इस मंदिर के दर्शन आप लोगों को भी करवा देते हैं। अंदर से भी आप लोग देख लीजिए चिंताहरण बालाजी का मंदिर है। और ये बालाजी महाराज की आरती है जो यहाँ पे पोस्टर के द्वारा चिपकाई गई है। और ये यहाँ पे हनुमान चालीसा भी इसी तरीके से पोस्टर से यहाँ पे चिपकाया गया है, मंदिर के दोनों साइड ये चिपकाए हुए हैं। और इधर ये पंडित जी हैं जो मंदिर की पूरी साफ सफाई कर रहे हैं। और ये मंदिर के में एक ये अच्छी सी पेंटिंग बनाई हुई है बालाजी महाराज की। फतेहपुर में तीन बावड़ियाँ, दो बावड़ियों का हमने आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया। एक तीसरी बावड़ी है जो नवाबी बावड़ी है, जो अभी फिलहाल में बंद है, तो उसका वीडियो हम लोग बना नहीं सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये हमारे बावड़ियों के वीडियो और इसकी हिस्ट्री के बारे में कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।